बिहार में सत्ता बदल गई है। नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार से इस्तीफा देकर राजग के साथ गठबंधन में नई सरकार का गठन कर लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की 9वीं बार शपथ लेने के साथ अपने 2 उप मुख्यमंत्री और 6 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलवाई है। सीएम ने कहा कि जल्द ही अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। इस बीच हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर रिएक्शन दिया है। बिहार में खेला होने की भविष्यवाणी करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अब खेल खत्म होने का ऐलान किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विकास करने की बात लिखी है। मांझी ने एक्स पर पोस्ट किया, खेल खत्म, नए मंत्री परिषद को बधाई, हम जो कहते हैं वही करते हैं, विकास विद मोदी। 9वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के शपथ लेने के बाद बड़ी संख्या में जेडीयू के जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता मुख्यमंत्री को बधाई देने उनके आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। मुख्यमंत्री ने बारी बारी से लोगों से मिलकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। जेडीयू के प्रदेश महासचिव अरविंद कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह ने कहा कि डबल इंजन की सरकार से बिहार का विकास होगा। विगत 18 वर्षों से अधिक समय से नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में ऐतिहासिक काम किए हैं। जेडीयू प्रदेश महासचिव रंजीत कुमार झा ने कहा कि नीतीश कुमार जहां भी रहे हैं वहां विकास का काम किया है, हर क्षेत्र में उन्होंने विकास किया है। जेडीयू नेता नंद किशोर कुशवाहा ने भी मुख्यमंत्री को बधाई दी है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में बिहार के स्वर्णिम युग का सूत्रपात होगा। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार प्रदेश के विकास और जनता की सेवा के प्रति संकल्पित हैं। न्याय के साथ विकास या सबका साथ सबका विकास में कोई फर्क नहीं है।